सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। और आज हम फिर से निकल गए हैं कॉलेज की खोज में। और आज जाने तो वाले नहीं थे, लेकिन फिर कुछ मतलब एक जगह सही बात हो गई। मतलब मेरे हिसाब का कोर्स मिल रहा था और जो भी था तो सब हो रहा था, तो फिर आज एक विजिट बनी गई कि हाँ चाहते हैं। तो बस अभी वहीं निकल रहा हूँ और अभी ऑलमोस्ट टाइम 3:30 के आसपास, 3:15 के आसपास हो रहा है। तो बस चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा तो शूट कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मम्मी पापा भी हैं साथ में, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है शूट करने में मेरे को। तो बस चलते हैं अभी और आपको शॉर्ट्स दिखा दूँगा मैं कुछ वहाँ के, दिखा पाया तो। और निकलते हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। तो बस अभी बस निकलेंगे और आपको फिर दिखाएंगे। मेरे ख्याल से मैं रेगुलर तो जाऊँगा नहीं, शुरू शुरू में हो सकता है जाऊँ, फिर तो रेगुलर जाऊंगा नहीं मैं। तो अभी निकलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ एडमिशन लूँगा कि नहीं और क्या कोर्स में ढूँढ रहा हूँ, सब चीज़ें आपको मैं क्लियर करूँगा। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हो रही है कि अपने घर के पास का जो रोड है बाहर का पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रोड अभी नया बनने वाला है। तो बस अभी शाम हो गई है और मैं वहाँ से आ गया विज़िट लेके, तो उसका डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। और मैं अभी बस निकल रहा हूँ कार्ड लेने, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रिंटिंग में दिया था मेरे क्लाइंट का, तो मैं बस वही लेने जा रहा हूँ। और बाकी आपको मैं उसकी अपडेट बाद में देता हूँ कॉलेज की जो भी है, और डिसाइड करेंगे उसका फिर कि क्या करना है और कैसे करना है। और वो हाय बोल दो ऐसे बीच बीच में मिल जाता है, कोई समझ जाते हैं लोग। अब एक वो बच्चा जा रहा साइकिल से तो वो समझ गया कि व्लॉग चल रहा है, तो अच्छा लगता है ऐसे। इसीलिए व्लॉग करते रहना चाहिए, मतलब बनाते रहना चाहिए। जो भी ब्लॉगर्स हैं जिनको ये वो लगता रहता है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और ये सब नहीं हो रहा है, तो उन सबको छोड़ के एक बार अपनी खुशी के लिए व्लॉग बना लो, तो हो सकता है उससे आपके खुशी को देख कर आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। मतलब आप फीलिंग समझ गए होगे अगर मेरे वर्ड्स गलत है तो आपको समझाने के लिए। तो बस चलते हैं अब और लेके आते हैं। ऐसे शाम हो गई है और वहाँ वो आप यूनिवर्सिटी देख चुके हो, इतनी बड़ी थी, हमको गोल्फ कार में घूमना पड़ा, मतलब घूम रहे थे। तो अब उसका आपको बाद में देंगे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है, कैसे हम करते हैं नहीं करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बाकी चलते हैं, अब जहाँ भी एडमिशन लेंगे आपको तो पता पड़ेगा ही। तो चलो चलते हैं अब कार्ड लेने और उसको फिर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये हो गई है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स बन रहे हैं वो सब या तो विजिटिंग कार्ड वाले हैं या फ्लैक्स के लिए हैं, और सबका डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग है करता हूँ। मतलब मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रिंट कहीं और से करा रहे हैं, डिज़ाइन किसी और से करा रहे हैं, तो दोनों काम मैं कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे ही हैं जो दोनों कामों के लिए हैं, मतलब दोनों काम के लिए, इन द सेंस कि ये मेन दो काम मेरा प्रिंटिंग का ज़्यादा आ रहा है मेरी तरफ से, कि विजिटिंग कार्ड भी और फ्लैग्स भी। तो मैं चाहता हूँ कि और भी काम प्रिंट के मुझे मिले, लेकिन यही दोनों मिल रहे हैं, तो जो जिनको जैसा सही लग रहा है वैसे वो कर रहे हैं। और अभी जो मैंने प्रिंट कराया ना कार्ड, वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी वाला है, उससे ऊपर कुछ आता ही नहीं है। तो बेसिकली एक कॉरपोरेट वर्क के उसमें है, इंडियन ऑयल, आप लोग जानते हो कि जिसका आप लोग पेट्रोल डलाते हो डीजल डलाते हो, तो उधर उनका है, वो मेरे रिलेटिव कोई है उनका है। तो ऐसे मुझे विजिटिंग कार्ड के बहुत मिले हैं, फ्लैक्स से ज़्यादा, फ्लैक्स मतलब दोनों का बराबर ही है। फ्लैक्स भी मैंने बहुत सारे किए हैं, विजिटिंग कार्ड भी मैंने बहुत सारे किए हैं। तो अभी वाला जो है ना ये सबसे प्रीमियम कार्ड है, तो मैं आपको एक बार इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा, अगर आप लोग को समझ में आएगी तो थोड़ी, अगर किसी को थोड़ा भी नॉलेज हो कार्ड वार्ड के बारे में, जो प्रीमियम कार्ड ओन करते हो, मतलब जिनका है खुद का बना हुआ वैसे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और फिर बता। तो आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लिप में देख ही ली होगी क्वालिटी कार्ड की कैसी कुछ है। और मैं आपको बता दूं कि यूवी प्लस मैट में है फ्रंट बैक प्रिंट के साथ, और इसका वेट होगा अपना 350 GSM के आसपास।
और अगर आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, वो आपको यहाँ आ रही होगी। तो मेरी इन द सेंस कि डिज़ाइनिंग वाली, और अगर मेरी भी चाहिए तो वो भी दिखा दूँगा यहाँ पे। तो आप उसमें भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो और किसी के बारे में रेट वेट भी जान सकते हो। तो आप मुझे फॉलो कर लेना दोनों आईडी को, या एक आईडी को कर सकते हो जिसको आपको लगे करना चाहिए आपके उससे, तो कर लेना। और कोई भी जानकारी चाहिए और किसी भी काम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो अभी मैं आया था हल्का वॉक करने खाना खा के, और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल। अभी तक मेरा कॉलेज का डिसाइड हुआ नहीं कि क्या करना है और कैसे करना है, और अभी भी कन्फ्यूजन चल रहे हैं, तो आपको बताता हूँ फिर मैं। सो इसको खानी थी कुल्फ़ी, अभी रात के बज रहे हैं 11:30, और कुल्फ़ी वाला आता है इसी टाइम में रात को, तो यहाँ से बाहर होता है। और ये इसको यहाँ पे ध्यान नहीं था, दो गली पार कर, नहीं होता वो, दो गली दूर नहीं है, तीसरी नंबर गली है, पहले नंबर गली में रहता है। हाँ, तो दो गली दूर हुई ना तीसरी नंबर गली, तो वो गली दो गली पार करके रात को 11:30 इसके लिए कुल्फी लेने जानी पड़ी। हाँ, तो चुप रहे तो अभी तो रात को 11:30 कोई जाता है क्या बाहर? शरीफ बच्चे नहीं जाते हैं, तो रात को 11:30 इसके चक्कर में कुल्फी लेने जानी पड़ी। और मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। तो अभी ये बनाएगी मेरे लिए शेक, बनाएगी बोल के यहाँ से बोल के चली थी अभी पापा से जानबूझ के, बुलवाई मेरे को कि जा, मैं तो जा भी नहीं रहा था कुल्फी लेने, अब चली है। तो अब इससे शेक भी बनवाएंगे जानबूझ के मेरे लिए सिर्फ, क्योंकि ये तो कुल्फी खा ली तो ये शेक थोड़ी पिएगी वापस, ये नहीं। तो इधर आ चुका है अपना शेक, और अपनी कुल्फी खाने के बाद भी ये देखो आपको थोड़ा सा पानी दिखा देना, तो ये इसमें आपको थोड़ा थोड़ा वो जो ठंडा ठंडा दिखता है वो दिख रहा होगा। तो अपनी कुल्फी खाने के बाद भी ये शेक पी रही है, और मैं कुल्फी नहीं खाने के बाद भी ये शेक पी रहा हूँ। ये इसने बनाया है, तू पी सकती है, कुछ भी कर सकती है, तू स्त्री है, तू कुछ भी कर सकती है इसको छुपाने के लिए। तो ये है इसका ये शेक, ओरियो शेक। तो अब ये पी रहे हैं। जब खुद को बनाने का मन नहीं होना तो अपनी बहन से कुछ भी बनवा सकते हो, कुछ भी। अगर पीने का मन है तो कुछ भी बनवा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अच्छा नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको बैठे बैठे मिल रहा है ना। सही बात है। तो इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल, और आपको अपडेट देंगे कल सीधा। सो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के फॉर्म लेने के लिए, और आज बाल इतने अच्छे सेट हुए हैं ना, मैंने ड्रायर चलाया है ना कुछ। और मेरी कार में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं कार की चाबी लाया हूँ अपना गॉगल निकालने के लिए, सनग्लासेस। पहले मेरी कार में जा रहे थे, लेकिन फिर पलाश की कार में जा रहे हैं। तो ये आ चुका है यहाँ पे, तो चलते हैं। अब इसको लॉक कर दें, एक सेकंड, तो चलो चलते हैं। और हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं अभी। सो अभी ऑलमोस्ट बात हो गई, हमने कैंपस देख लिया है, आपको मैं दिखाया इसके पहले वाले वीडियो में कहाँ आया हूँ, ये वही है। और हम दोनों बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक सेकंड, बारिश गिर रही है, पहले भी थोड़ी गिरी थी, हमारे से तब भी थोड़ी थोड़ी गिरी थी, अभी बहुत तेज़ हो गई है। अभी आपको मैं कैंपस दिखा नहीं पाया, कभी और दिखाऊंगा या जब मैं आऊंगा तो। अरे बारिश बहुत तेज़ हो गई, चलो चलते हैं अपनी कार में। तो अभी वीडियो शूट हो रहा था हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि गौतम भाई कर रहे थे, और इन्होंने भी अपना चैनल बना लिया है। तो अब तीन तीन चैनल हमारे यहाँ से उठने वाले हैं फाइनली, होपफुली उठेंगे ही। तो मैंने भी बहुत टाइम बाद अपना वापस एंट्री कर ली है, तो वीडियो शूट हो चुका है। और इनके भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, और तो चैनल का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।